आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी चना चाट मसाला की रेसिपी। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में बिल्कुल आसान है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तंदूरी तड़का। मैं हूँ कृति और आज फिर से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एकदम नई रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप काले चने लिए हैं। इसको रात भर भिगो कर रखेंगे और भिगोने के बाद मैं आपको ये चने दिखा रही हूँ। ये अच्छे से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं साइज़ में भी ये दुगने हो गए हैं। तो पानी निकालने के बाद हम इनको एक बार अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद अब हम इनको बॉईल करेंगे। तो एक कुकर में हम सारे चने डाल देंगे और अब इसमें 1 ग्लास जितना पानी डालकर इनको उबलने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने चने को अच्छे से उबाल लिया है और आप देख सकते हैं चने अच्छे से उबल चुके हैं, ये देखिए। अब हम चने को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब इन चनों को स्पेशल बनाने के लिए हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक बाउल में हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ में 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। चने में थोड़ा सा खट्टेपन के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच इसमें काला नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें सादा नमक डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मिलाने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो 1/2 कटोरी जितना हम इसमें पानी ऐड करेंगे और वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले में कोई लम्स ना रहे। तो ये मैंने सारे मसाले को अच्छे से मिला लिया है। चलिए अब हम एक पैन ले लेंगे और अब इस पैन में हम 1 छोटा चम्मच जितना तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। थोड़ा सा तेल डालने के बाद तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चुटकी इसमें हींग डालेंगे। हींग डाइजेशन के लिए अच्छी होती है तो आप थोड़ी सी हींग ज़रूर ऐड करें। अब जो मसाला हमने बनाकर रखा था वो हम पैन में डाल देंगे। अब हम इस मसाले को अच्छे से सेक लेंगे और तब तक सेकना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकेंगे कि इसमें से ऑयल ऊपर आ गया है, यानी कि मसाला हमारा अच्छे से सिक गया है। और अब चलिए जो चने हमने बॉईल करके रखे थे उनको हम इस मसाले में डाल देते हैं। अब इन सबको कुछ सेकंड के लिए हम चलाते हुए सेक लेंगे और इसके बाद बिना पानी डाले हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो भी मसाला हमने इसमें डाला है वो चने में अच्छे से आ जाए। तो 2 मिनट बाद आप देखेंगे जो चने में पानी था वो सारा सूख गया है और जो मसाला है वो भी चने में अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इन चनों को साइड में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो जैसे ही चने ठंडे हो जाएंगे हम इसकी चाट बनाएंगे। तो चाट बनाने के लिए चनों को पहले हम एक बड़े बर्तन में डाल देंगे ताकि हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकें। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 उबला हुआ आलू। इसको छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसके बाद चनों में डाल देंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। साथ में हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। सब्जियों को आप थोड़ा छोटा ही कट करके डालें, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। 2 से 3 हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 कप हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और अब हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच हम इसमें काला नमक डालेंगे ताकि जो सब्जियां भी हमने ऐड की हैं उसमें नमक बैलेंस हो जाए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अब इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डिस्पोजल लिया है और इसमें हम डाल देंगे चने। तो दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। थोड़ा सा हम इसको गार्निश भी कर देते हैं। तो थोड़ी सी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज आप तक पहुँच पाएँ।